मारी हिया पधारेगा हम कल्पना नहीं किया था। बचवा, तुमको ऊपर पहुंचाने के लिए इतने लोग भेजे, लेकिन तुमको डर नहीं लगा? डर तो बहुत लग रहा था। सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। लेकिन तेरे से नहीं तो खुद से। अपना बापू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया? तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे, तकलीफ हो जाएंगी तेरे को। बिना तकलीफ के हम यहाँ नहीं पहुंचे। ए, अपन लोगों का टाइम खोटी मत कर, सलूशन बता। चेन्नई हिंदुस्तान के नारकोटिक्स का राजधानी बन चुका है। केनिया से माल सीधा यहाँ आता था। अपना बिजनेस हमारी सेहत की तरह बिना किसी झंझट के फल फूल रहा था। तभी केनियन गैंग के लोकल लोग डील में हमारा प्रॉफिट कम करके बिजनेस को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। उनकी बदलती हुई हरकतों की वजह से कस्टम वाले अलर्ट हो गए। उन्होंने अपने आदमियों को मारना शुरू कर दिया जो पुलिस की नजर में आ गए थे, और हमको धंधे से निकाल दिया। इसीलिए उनका खात्मा जरूरी है, क्योंकि तभी तो ई नशे के धंधे में हमारा पकड़ होगा। मारे बचवा पे हमको भरोसा है। अगर तुम लोग साथ दो तो हम तुम लोगों का जान बख्श देंगे। हाँ, कथा खत्म हो गई, चले। कहाँ, तनी फैसला तो सुनाते जाओ। देख यादव, मारी और पाउडर का 36 का आंकड़ा है। 37 का होगा तो भी हमको फर्क नहीं ना पड़ता है बचवा, बच नहीं पाओगे। भैया, आप सिर्फ होठ हिलाइए, इन्हें सलाद की तरह काट के रख देंगे। हम चाहे तो सबका पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हैं। कीटनाशक के बारे में सुना है? देख, अपन हनीमून पे जा रहे हैं। अगर दिमाग की चर्बी पिघलाई ना तो तेरे को मून पे भेज डालेगा। और अंदर की बात, अपन को तेरे साथ कोई लोचा लपाचा नहीं मांगता। अरे हम तो खुद गुंडा लोगों से डरता हूँ, गैया का पुजारी हूँ भैया। तेरे ढकले पे भेजा वेजा है कि नहीं? वो तो सुबह पेट अच्छे से साफ हुआ बोल के मूड अच्छा, वरना उल्टा करके तेरे पीठ पे अंडा चोकड़ी खिलता। क्या हुआ? अरे ये गोली कौन तरफ से चल गई, पता ही नहीं चला ससुरा। क्या बे? क्या पेटले को चंदन में सुलगाऊं क्या? यादव, पता था तू बीटेक्स नहीं लगा था, इसलिए तेरे को खुजली होएंगी। आप उन कारतूस पे बीटेक्स मलम लगा के गन में डाल के खुजली वाली जगह पे ठोक डालेगा। केसरे, अपना फरमान सुना इसको, अपने को बहुत हल्के में ले रहा है। एक बार स्कूल का टाइम टेबल चेंज हो गया, अपन ने प्रिंसिपल को पेंसिल घुसा दिया। सिस्टम चेंज होएगा नहीं, जितना इलाका तेरे को दिया उतने में खुश रहे, वरना बचपन में पेंसिल घुसाता था, अभी कुप्ते घुसाएंगे। चल मारे। यूपी बिहार से आके अपन के ऊपर शान पट्टी कर ले। केसरी, एक आइडिया आया है, समंदर के बीचों बीच एक टोल नाका बना डालते हैं। बड़े जहाज का 100 रुपया, छोटी छोटी होड़ी का 20-20 रुपया। सोचना दिन में कितना इनकम होएगा। यादव के ऑफर को लात मार के गलती तो नहीं की? क्या? नहीं नहीं, उसका पंटर बन के नहीं, मेन आदमी का पता लगा लेते, फिर वो काले लोग को खुद ही जाके बेच देंगे। क्या बोला? बस क्या बच्ची, अपने को मालूम है पाउडर का धंधा नहीं करने का। तेरी टेर ले रहा था। तू टेर भी नहीं ले रहा था, है ना? देख भंटा, खुद मर्सिडीज में बैठने के लिए दूसरों को पाउडर बेच के अर्थी पे लेटाना अच्छी बात नहीं है। और पैसा हाथ का मैल है, उसको कमाने के लिए ज्यादा हाथ मैला नहीं कर सकते। तुम पे विश्वास करके हमने गलती की, अपने उस बड़े भैया को भी नहीं बनवा पाए। सड़क के डॉगी जितनी तुम्हारी वैल्यू है। देख, अपन ने फुल ट्राई मारा, अब इससे ज्यादा क्या उखाड़ेगा। इधर आता है तो अपन की हलक में आ जाती है, किसी ने देख लिया ना तो अपन के 44 हो जाएंगे। सोचा था कोकीन का लालच देगा तो भाई राजी होगा, पर वो मारी का पिल्ला अब उनके हर एक पिलान में टांग अड़ाता रहता है। देखा बल्ला, ज्यादा चू चपड़ नहीं तो ऊपर का रास्ता बताएंगे। ए, केनिया का सारा बिजनेस तेरे को अपुन की बदौलत मिला है, थोड़ा लिमिट में समझाना। हमको थोड़ा थोड़ा नहीं कमाना है, एक बार में बिल्डिंग खड़ी करनी है। कैसे करेंगे बता? अच्छा चल, तू बता। सिर्फ मारी में बूता है सब करने का। हेलो, एक और मीटिंग फिक्स करवा, फिर से कोशिश करेंगे। उसमें क्या है? फालो। ए, पता है आदमी टेढ़ा है, पर पोस्टर तो सीधा लगा सकता है ना? किधर से फोटोशॉप कर रहा है रे? मेरे से गोरी दिख रही है रे तू? ए शानी कुच्ची, ऐसा लगता है आटे में नहा के आई है। ए, किससे परमिशन लेके मारे का फोटो पोस्टर पे लगा रहा है? ऐसा है क्या? चल उसका परमिशन लेके आती मैं। ए, 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 जा रही है। शेर के मुंह में हाथ डालेगी ना तो अपने हाथ से हाथ धो बैठेगी। बात में बोलना नहीं, हम लोग ने बोला नहीं, टिकट कट जाएगी। मैं रहे मारे लाए, क्या उसको पटाने का तरीका बता। अरे क्या तू इसको अपना लव गुरु कैसे बना रही है रे?
40 साल का अंकल तेरे को क्या आईडिया देगा? गटर बंद कर। मर्द को औरत की जो अदा लुभाती है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो अदा मेरे अंदर कूट कूट के भरी है। अदा बोला पा, अदा नहीं। टेंशन मत ले रहे तू। लड़की लुभावनी होनी चाहिए, जाल में लज्जा को नहीं मांगती है। ऐसे बात करे तो जैसे लवंग की खुशबू होनी चाहिए। समझी नहीं मैं। ये तो चलता फिरता जूस सेंटर है। दादा बोलेगा तो तेरा रस निकाल दूंगा। कंटिन्यू। मुंह से अत्तर की खुशबू आनी चाहिए। नहीं समझी। एयर फ्रेशनर जेब में रख के बात करना। मारी जब भी मैं रात को सोती हूँ ना तो 12 फीट की सीढ़ी लगा के मेरे दिल में कड़कड़कड़कड़ उतरता है। जानता है काय को? काय को? क्योंकि जब से तू मेरे दिल की ऑटो का पैसेंजर बना है उसका इंजन ऑटो स्टार्ट होके भगभग झटका मार के बंद होता है। ये सब मैं नहीं कर पाई। अरे ये चिंपांजी पर सूट नहीं करता, तेरे पे करेगा। एक्सपीरियंस है मेरे को। घोड़ी नहीं चढ़ा तो क्या हुआ? कई दूल्हे देखे? मारिया क्या? ये फोटो विदाउट परमिशन कैसे लगाया? मारी भाई ने आज तक फेसबुक पे फोटो नहीं डाला, तुम लोग ने इधर डाल दिया। हाँ वो भी डालने का था तो अच्छा डालने का था। पीछे आ जा ब्रो वरना पहली तेरे को ही पड़ेगी। ये मेरे को पोस्टर पे कौन टांग दिया रे? ए तू इधर आ रे। यूपी बिहार हिल जाना चाहिए। अरे एक नंबर टीचर है ये, क्या कर रही है देख। इसकी कमर लचक गई क्या? दूसरी बाजू भी देख मार, ये भी फैट हो जाएगा। तू जिस तरह से ऑटो चलाती है ना, आप उनको मालूम था एक दिन तू अपनी टांग तोड़वाएगी। एक मिनट रुकना, याद करने दे। क्या? हाँ। अरे ये क्या बोलिंग करने वाली है? तेरे को देख के दिल का ऑटो स्टार्ट हो जाता है और पटापट पटपट रिक्शा की तरह दौड़ता है। अगर तूने हाँ बोल दिया ना तो अपन तेरे को दिल में बिठाकर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सैर कराएगी और भाड़ा भी नहीं लेगी। मैंने इसको क्या बोला था और ये क्या बोल रहे ली रे बाबा? क्या रे चावे, प्यार हो गया क्या? बाबा तेरा आइडिया हिट है। आज इसको मेरे से लव हो गया। गाँव का टिकट निकाल ले। धुलाई पक्की है भाई। मेरे को बाल्टी में उतरने का आइडिया देते हो? मत करना यार। अरे मेरी तरफ से दो बार और कूट इसको। दो नहीं, चार बार। नहीं है। तेरे को नहीं फोड़ सकता इसलिए इनको फोड़ रे लाऊं। 1.25 घंटे का टाइम है तेरे पास। एरिया में से पूरे पोस्टर निकाल डाल। मेरे दोस्तों, मतलब तू रेडियो ऑटो स्टैंड की ओपनिंग नहीं करेगा? हाँ ओपनिंग कर दे और हमारी क्लोजिंग कर दे। प्यार से बोलेगा तो करेगा। लगता है तुम लोग को रिपीट टेलीकास्ट बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है रिपीट टेलीकास्ट। वो आएगा कि नहीं? अरे कौवे की जबान सबर करना, जरूर आएगा। ये लाशें हैं कीनियन गैंग की। इन्हीं के साथ यादव ड्रग्स की डीलिंग करने वाला था। इन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजा है। वो चाहता तो ड्रग्स लेके भाग सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यादव को ड्रग्स सौंप के उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था ताकि उसके साथ मिलकर मारी से बदला ले सके। सबको सुला डाला फिर यहाँ बैठ के किसकी राह तक रहे थे? सारा माल लेके चंपत क्यों नहीं हो गया? अब उन ड्रग के लिए नहीं आया तो फिर काहे आए हो? मारी, मारी से तुमरी का खुन्नस है। आज से 8 साल पहले एक रावड़ी को फोड़ने के चक्कर में आपन जमा हो गया। पिंजरे में घुसते ही आपन को क्लिक हुआ कि सारे नंबरकारी मारी के फंटर है। हमको जल्दी से छुड़ाई लो वरना हमको मार देंगे। घबरा मत छोटे, तेरा भाई सब संभाल लेगा। गुंडे लोग आपन के भाई को भगवान मानते थे क्योंकि वो चाबुक वकील था। कितनी बुरी तरह से तुझे मारा है बीजा, बस 2 दिन और वेट कर ले, मैं किसी भी हाल में तुझे बाहर निकाल लूंगा। हमको यहाँ से जल्दी निकालो नहीं तो जहर लाके दे दो। ये तू क्या नाप शनाप बोल रहा है? तू ही अपन की जिंदगी और फैमिली है रे, तेरे लिए तो मैं जज से भी लड़ जाऊंगा। आप उनको भाई बाहर निकालता उसके पहले ही। पता तेरे भाई को टपका डाला और अब तेरा नंबर है। एक फटके में गया वो, डल डल पानी में। मार बचाएगा इसको। हमरे भैया मर गए का? अरे भाई पक्की खबर है। कौन मारा? मारी नाम है, बहुत बड़ा गुंडा है। लड़के की इज्जत पे हाथ डालता है तेरी जॉब का? तू तो गया। तुम जैसे जानवरों की वजह से ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। फर्स्ट टाइम आपन मारी का नाम सुना। जब किसी पर जुल्म करो तो इतना करो कि वो तड़प कर मर जाए, नहीं तो उसके अंदर से एक जानवर का जन्म होता है।
आपुन के अंदर से भी एक आदमखोर जानवर ने जन्म लिया। कल दांत निकाला था, आज कुछ और निकाल दिया क्या? ए छोड़ना। अबे तू तो बना क्या? क्या रे, पुलिस भी बिल नहीं भरती और मोमबत्ती भी नहीं रखती। ए, कौन है बे? सामने आ! जिसकी कभी अंधेरे से भी फटती थी, आज वो लोगों की जिंदगी की लालटेन बुझा रहा है। उसी पल से आपन ने शराफत की पगड़ी हटा के मौत का चोला सिलवा डाला। अब आपन के भाई की चिता की आग तभी बुझेगी जब आपन उसकी चिता को जलाएगा। मारी भैया, अगर तुम इतने नामचीन खूनी हो तो मारी का खून काहे नहीं कर पाए? अपन उसको हलवा मौत नहीं देना चाहता, ऐसी मौत देना चाहता है कि वो अपन को नरक में भी नहीं भूले। अब उसे बचाने के लिए जो भी आएगा वो पहले ऊपर जाएगा। उस तक पहुंचने की दो सीढ़ियां हैं, एक तो ये पाउडर और दूसरा ये कनखजुआ। बहुत भड़कीला गुस्सा है, अगर मर्द हो तो जाके मारी के पेट में चाकू घुसेड़ दो। बदले में हम तुमको इतना ड्रग देंगे जितना तुम्हारा वजन भी नहीं होगा। हाँ, गुस्सा करना पाप है और गुस्से में आकर मारना महापाप, लेकिन बदले के लिए तड़पा कर मारना पुण्य है। दिवाली में आपन पटाखे फोड़ के शोर नहीं मचाता, मौत का अनार जलाता है। अरे सात जन्म तो क्या, तू आठवें जन्म में भी मारी को मार नहीं पाएगा। कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। डील मंजूर है तो बोल। बहुत हंसता है, पंच ऐसा होना मांगता है कि सामने वाला फाफड़े की तरह फड़फड़ा जाना मांगता है। क्या रे, धूप में बैठ के तुम लोग फाफड़ा और जलेबी तल रहे हो? ब्रो, तेरे वास्ते पंच लाइन ढूंढ रहे है। क्या पंच लाइन रे? माथे पे आयला है मोटा फोड़ा, मारी के मुक्के ने उसको तोड़ा, मारी ये पावरफुल घोड़ा। अकेला पंच मारा। अपन को घोड़ा गाड़ी को बना रहे ले रहे तुम लोग? घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा नहीं, अरबी घोड़ा। इस लोकल गुलजार को सुनो, दारू पीना छोड़ा मंगल को, बुधवार को फिर से शुरू कर दिया। इसमें अपन का नाम किधर है? लोचा हो गया, मैं कुछ तो लिखा था लास्ट पेज पे पेंसिल से लिखा है। वो पता है ना, अपने डैड को टीच नहीं करते। वो सब छोड़, मारी ये वाली खास तेरे लिए। बोल बोल। If you are bad, I'm your dad. क्या बोला? तू गायला कैसे है? ट्रांसलेशन कर रहा था मैं। आपुन बोलेगा ना तो ही अच्छा लगेगा। रिपोर्टिंग है सर। इंग्लिश है ना, वापस बोल। If you are bad, I'm your dad. हाँ बोल। ये तो केजी का बच्चा भी बोलेगा। इसके ऊपर ट्राई मार। केसरी, आपुन इंग्लिश सीख रहे हैं, जरा ध्यान से सुन। If you are bad, we are your dad. कैसा लगा पंच? ये पंच है? कौन सिखा रहे तेरे को ये? ये क्या अपने फंटर लोग? एक छोटा सा काम है, अगर तेरे को प्रॉब्लम ना हो तो तेरी छावी से करा लूंगा। कितना दफा बोलेगा अपन की छावी नहीं है वो? अरे अपन को मालूम है, लेकिन अगर तू हवा देगा तो वो गुब्बारे की तरह उड़ेगी ना। देख, मलेशिया से इम्पोर्टेड सामान का जहाज आता है, मोबाइल चार्जर, नाने का इम्पोर्टेड साबुन, गाना सुनने का ईयरफोन, बॉडी बिल्डिंग का पाउडर। देख, अगर छोकरे लोग जाएंगे तो पुलिस को शक होगा, लेकिन अगर लड़की गई ना तो मामूलों को पता भी नहीं चलेगा। तू ही जाके बोल के करा लेना बा। मारी, वो अपुन की नहीं सुनेगी बा, तू सिफारिश का धक्का लगा दे। सुरक्षित तो है ना? अरे बिल्कुल सुरक्षित है भाई, बच्चा भी कर लेगा। अपन की जानिब से आनंदी को बोल कि ये मारी का काम है, छोकरी हंसते खेलते करेगी, और तू जरा देखना आनंदी को कुछ हो नहीं, सेफ्टी चेक कर लेना। यार का झिंगुर काट गया। वो मतलब उल्टा हाथ पड़ेगा ना सीधा हो जाएगा। तो निकल भाई। थैंक्स बा, चल। अपना केसरी कैसा है लाले? वो भाभी के साथ है। हाँ, आराम करने दे। शादी के बाद आदमी औरत का पल्लू बन जाता है।